अगर तीन बार कबूल है बोलने से निकाह हो सकता है, तो तीन बार तलाक 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 बोलने से तलाक क्यों नहीं हो सकती? देखिए, ट्रिपल तलाक का मसला जो है वो एक रिलीजियस मैटर है, उस पर मैं मानती हूँ तब तक का कोई कंट्री का या कोई गवर्नमेंट का प्रेशर नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज जे छे इस्लाम धर्म नी शरीयत नी वात छे, तो आ सरकार जे छे एमां हस्तक्षेप करी शकती ज नथी। हर एक रिलीजन के अपने अपने रूल्स, रेगुलेशन, कल्चर सब कुछ बना हुआ है पहले से, जिसको फॉलो करते आ रहे हैं। मुस्लिम लॉ के हिसाब से शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो एक मैरिज सर्टिफिकेट पे साइन करते हैं तो उनकी शादी होती है। ट्रिपल तलाक का जो रिलीजन में ऑलरेडी कुरान में और सब में छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात के लिए हर एक सॉल्यूशन मौजूद है, तो फिर उसको छेड़ने का कोई मतलब नहीं है। जो 3 वर्ष सुधी जो जेल में रहे तो स्त्री शू कर से? चलो वो मेंटेनेंस नहीं भर पाता, उसको तुमने जेल में डाल दिया, पर औरत का क्या? ट्रिपल तलाक में तुम सजा दे दोगे, वो जेल में चला जाएगा, उसके बाद क्या होगा? वो तो रह गई ऐसे ही, इसमें स्त्री की क्या समानता आई? तो मतलब हमारे जो लॉज बने उसके अकॉर्डिंग बात यह है कि ट्रिपल तलाक का हक सिर्फ मेल्स को इसलिए दिया गया है कि लेडीज बहुत सेंसिटिव होती है, वो भावुकता में आके बहुत सारे ऐसे गलत फैसले ले लेती है जो नहीं लेने चाहिए, और जो मेल होते हैं ना वो धैर्य से काम करते हैं। तो सजा देना ये सॉल्यूशन नहीं है बात का, सजा देने के बाद वो एक क्रिमिनल की तरह बन जाएगा। इतना ही बोलूंगी सिर्फ के दुरुपयोग हो रहा है तो उसका कोई और सॉल्यूशन, हालांकि ये रूल औरत के अगेंस्ट जा रहा है। ट्रिपल तलाक मतलब अगर हस्बैंड ने दे दिए उसको 3 साल की सजा दे दी जाएगी, बट ये तो पॉसिबल है ही नहीं ना, उसने कोई क्राइम तो किया नहीं है, उसने तलाक दी। बिल पसार कर्यु छे के 3 वर्ष की सजा आपी छे पुरुष ने, तो स्त्री माटे ने शू कर्यु छे? वाइफ के लिए क्या किया है, औरत के लिए क्या किया है, गवर्नमेंट ने क्या रूल बनाया है? तलाक होता है तो हस्बैंड सो एंड सो अमाउंट वाइफ को देगा, तभी वो तलाक दे सकता है, तो ये सिक्योरिटी वाइफ की हो सकती है, तब ये कहा जा सकता है कि दोनों में समानता है। क्लॉज निकाना में डाल देना चाहिए कि औरत की सिक्योरिटी इन फ्यूचर अगर डिवोर्स होता है, हस्बैंड देता है बगैर वाइफ की परमिशन के, अगर वाइफ नहीं लेना चाहती और हस्बैंड ज़बरदस्ती दे रहा है तो वाइफ को उससे कुछ अमाउंट देना पड़ेगा एज अ सिक्योरिटी, ये पहले से निकाह में इंक्लूडेड हो तो हस्बैंड भी वो उस बारे में सोचेगा। Yes, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसमें ना लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट और एनीथिंग को इंटरफियर नहीं करना चाहिए।